नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज चलिए बनाते हैं बिना गैस जलाए हुए मिठाई। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिना गैस जलाए हुए मिठाई बनाएंगे, पेड़े को ये बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है ये पेड़ा खाने में। ये देखिए कितनी अच्छी बनी भी है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो इसके लिए हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम ले लेंगे डेसिकेटेड नारियल, मतलब पिसा हुआ जो नारियल मिलता है मार्केट में वो ले लेंगे। और जितना हमने डेसिकेटेड नारियल लिया है ना, उसका 1/4 कप जो है चीनी लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो आप जो भी इच्छा हो डाल सकते हैं, बट मैं इसमें केवल काजू डाली हूँ और ये इलायची डाल रही हूँ। 2 इलायची मैंने लिया है फ्लेवर के लिए। तो इसे डाल करके और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पीस लिया है इसे, अब मैं निकाल ले रही हूँ। तो बहुत ही झटपट से ये मिठाई बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, तो शुद्ध देसी घी डाला है मैंने 1 चम्मच। और इसमें अब हम ना इसका पेड़ा बनाएंगे, तो इसमें जितना ज़रूरत पड़ेगी ना उतना हम दूध डालेंगे। तो मैं पहले 2 चम्मच डाल रही हूँ, 2 या फिर 3 चम्मच के करीब ही दूध लगता है इसमें, दूध से ही बनाएंगे दोस्तों, इसमें पानी वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो ये मैं 2 चम्मच दूध डाली हूँ और दूध जो है गर्म करके ठंडा कर लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। और इसमें डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे, तो ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें अगर दूध लगेगा तो मैं 1 से 2 चम्मच और यूज करूँगी। और इसे थोड़ा टाइट ही, मतलब इसको इसका डो जैसा लगाना है, तो ये लगा लेंगे। और इसे लगा करके ना मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए, बस रेस्ट करने के लिए, इसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें चीनी वगैरह है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हो चुका है और अब मैं इसके ना पेड़े बना लूँगी। और इसमें ना ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा देंगे, मैं पिस्ता और बादाम काट कर रखी हुई हूँ और इसे इस तरह से बीच में प्रेस करेंगे। और ये हमारा पेड़ा बन करके तैयार है। देखिए बिना गैस जलाए हुए इंस्टेंट मिठाई ये बनती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर इसे बनाइए। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखा दोस्तों बिना गैस जलाए हुए कैसे मिठाई बनती है, बिल्कुल आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है बिना गैस जलाए हुए मिठाई बनाना। और इस पेड़े को आप बना करके आप फ्रिज में रख दें और इस मिठाई का आनंद आप कुछ दिनों तक उठाएं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में, तब तक से आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।